हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा वीकली टास्क के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वीकली टास्क है यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपके जो लास्ट वीक में जो टेस्ट होते थे वो पॉलिटी के होते थे, लेकिन अब आपके पॉलिटी के टेस्ट नहीं होंगे, बल्कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री के टेस्ट आपके हुआ करेंगे। जो बुधवार को आपको 5:00 बजे टेस्ट होता है वो आपका हिस्ट्री का होगा। तो लगातार आप जो अगले जो 4 बुधवार आने वाले हैं, तो 4 के 4 बुधवार को आपको हिस्ट्री का टेस्ट होगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ में जो टास्क है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। साथ में आपको इस तरह से प्रैक्टिस सेट कुछ मिला करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक वाइज होंगे। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको वीक में 5 मिनट प्रैक्टिस सेट दिया करूंगा। बुधवार और रविवार को आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिला करेगा, क्योंकि बुधवार को टेस्ट होता है इस वजह से, और रविवार को आपको बहुत सारे अदर मैं टास्क देता हूँ, इस वजह से मैं नहीं दिया करूंगा। तो एक दिन आप लोग भी थोड़ा सा फ्री रहेंगे और थोड़ा अदर काम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको टॉपिक वाइज दिया करूंगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरकालीन जो मुगल शासक है उससे संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यूरोपियन कंपनी है, उनका आगमन कैसे हुआ, उससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टी चॉइस के रूप में और डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तो पीसीएस और आईएएस दोनों से यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ में आप लोग जब पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए था और कहाँ पर हमने क्या चीजों को स्किप कर दिया। तो आप लोग क्वेश्चन जब लगाएंगे ना, तो आपके अप्रोच क्लियर होता चला जाएगा। जैसे आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक के आपको मैं क्वेश्चन दे दिया करूंगा। व्हाट्सएप पे पीडीएफ आपको डेली एक मिल जाएगा, आप लोग लगाइए आराम से और आराम से अपनी पढ़ाई करिए। ओके, तो देखिए लगभग में 5 प्रैक्टिस सेट है, इनमें आपको 700 से 800 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि हम 15 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेंगे और मैं लगभग में 1700 क्वेश्चन का आपका यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और डेली आपको एक मिल जाया करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टास्क के ऊपर। ओके, देखिए मेन टास्क के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का आपका टास्क, मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहाँ पर कवर करनी है। ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने, जब मैंने आपका बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराया था, तो उस समय मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ने को दी थी बिपिन चंद्रा की, लेकिन अब आपको बिपिन चंद्रा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको नहीं पढ़ना है। आप लोग रिवाइज करना चाहते हैं तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ओके, स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ, स्पेक्ट्रम भी एक बुक है। ओके, जो किसके द्वारा लिखी गई है, राजीव अय्यर के द्वारा आपको लिखी हुई देखने को मिलेगी। ओके, तो आप लोग जाकर के इजिली मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ओके, और आप लोग ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं आराम से, किसी भी वेबसाइट पे जाइए आप लोग, अमेजन या फ्लिपकार्ट, आराम से आपके यहाँ डिलीवरी कर देगा। ओके, तो ये वैसे तो सभी जगह अवेलेबल होती है, लेकिन नहीं है तो पीडीएफ के रूप में आप लोग जाइए पढ़ लीजिए आराम से। आप लोग नहीं है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिक को आपको पढ़ना है इस वीक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई के बीच में आपको इतने सारे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने, तो लगभग में डेली आप 50 पेजेस पढ़ेंगे तो आराम से इसको कवर कर लेंगे। देखिए 50 पेज क्यों पढ़ने, क्योंकि आप देखेंगे स्पेक्ट्रम ना बहुत छोटा है, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें दे रखी है, तो ज्यादा कंटेंट नहीं है, आप बहुत आराम से इसको कवर कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आप 50 पेजेस बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। और साथ में हिस्ट्री, जैसे आप लोगों ने पॉलिटी ज्योग्राफी कवर किया था तो उसका अप्रोच थोड़ा सा अलग था, अब हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना है, जैसे आप लोग एक नोवेल पढ़ते हैं या फिर एक मैगजीन पढ़ते हैं स्टोरी के फॉर्म में, जैसे आप लोग कोई स्टोरी पढ़ रहे हो इस तरह स्टोरी की तरह आपको पढ़ना है, तभी आपकी कनेक्टिविटी बन पाएगी। और उसी स्टोरी के फॉर्म में आपको एक सिनॉप्सिस बना लेना है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बाद में, जब आप उस सिनॉप्सिस को देखेंगे तो आपको वो पूरी स्टोरी ध्यान आ जाएगी और उस स्टोरी के थ्रू आप बहुत आसानी से हिस्ट्री को याद कर सकते हैं। और हिस्ट्री को कभी भी रटना नहीं है, आप लोग रटेंगे ना तो आप लोग भूल जाएंगे। और साथ में उसमें बहुत सारी सने दी रखी होंगी, मतलब डेट दे रखी होंगी, साल दिए रखे होंगे, वो आपको नहीं याद करने। ओके, आप लोग स्टोरी पर, कॉन्सेप्ट पर अपने ध्यान दीजिए और उसको आगे चलते जाइए। अगर आप लोग उसमें जो फैक्ट दिए रखे, बहुत सारे नाम दिए रखे होंगे, बहुत सारे डेट दिए रखे होंगे, उन पर फोकस करेंगे, उन्हें रटने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग बहुत पीछे होते चले जाएंगे और उनका कोई मतलब भी नहीं है। जब आप बहुत बार उस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपकी जो मेन मेन डेट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप ही याद हो जाती है, आपको उन्हें याद करना नहीं पड़ता है। ओके, तो देखिए इस तरह से मैंने जो रेड कलर से यहाँ पर लिखा है, इसको आपको एक बार देखना है और निकल जाना है। और यहाँ पर देखिए मैंने जिसको ब्लू कलर से लिखा है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है, साथ में अंडरलाइन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं तो उनके सिनॉप्सिस बना लेने। लेकिन जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा है, इसको बहुत अच्छे से इन टॉपिक को, इन चैप्टर को पढ़ना है, एकदम घोल के पी जाना है, इनको ना केवल पढ़ना है बल्कि इनके
शॉर्ट नोट्स भी बनाने ओके तो बहुत अच्छे से इन्हें अंडरस्टैंड करना है। आप लोग जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से देखिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें आर्ट एंड कल्चर को अगर निकाल दें तो आप लोग देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही अकेले लगभग में 60-70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितना आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। जैसे मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत था मैंने आपको बताया था वो बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, उसी तरह जो आधुनिक भारत है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप लोग इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हैं लगा लीजिए ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। तो ऐसे नहीं है कि मतलब हिस्ट्री है चलो छोड़ दो कोई बात नहीं और सारे सब्जेक्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, हिस्ट्री हमको बोरिंग लगता है तो छोड़ दे, तो बोरिंग की वजह से इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, खासकर आधुनिक भारत को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ओके। तो इसको बहुत अच्छे से कवर करिए, साथ में आप लोग रिविजन कर सकते हैं, पॉलिटी का रिविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से मैं आपको हिस्ट्री और अदर ज्योग्राफी का रिविजन दूंगा ओके। तो आप लोग अभी पॉलिटी का रिविजन करिए इस वीक में, नेक्स्ट वीक से आपको ज्योग्राफी का मैं रिवीजन करने के लिए दूंगा और साथ में जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं और वीडियो लेक्चर हैं ये आपको मिलने लगे। देखिए अब थोड़ा सा मेरा गला ठीक हो गया, अब मैं आपको जो वीडियो लेक्चर आप वो पॉलिटी के मिल रहे थे ज्योग्राफी के मिल रहे थे वो आपको फिर से मिलने लगेंगे ओके। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब ये टास्क कहाँ पर मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये टास्क है मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह सेंड कर देता हूँ, एफबी और इंस्टाग्राम पर अब मैं सेंड नहीं करता हूँ, वहां पर मैं इनएक्टिव हो गया हूँ, मैंने वो वाले जो अकाउंट है मैंने अभी डिलीट कर दिए ओके। तो आप लोग परेशान ना होइए, देखिए अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया, टास्क हो गया, वीडियो लेक्चर हो गया। अगर आप लोग इनएक्टिव रहेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन चला जाएगा और मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा ओके। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए, जैसे आपका टेस्ट होता है बुधवार को तो सभी लोग अपेयर हुई है, आपको जो प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं उनको लगाइए, जो आपको टास्क दिया जाता है उस पर वर्क करिए ओके, और जो वर्क करते हैं उसको दिखाइए भी आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं ओके। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।